तो ये फॉर्मूले हमने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ा दिए हैं, एक बार हमने रिवीजन करा दिया, आप नोट कर लेना, सारे फॉर्मूले एक जगह रहे तो अच्छा रहता है। अब आज कुछ नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो d by dx of e to the power x, हमने आपको बताया था e एक यूलर्स नंबर है, कांस्टेंट है, तो अगर e to the power x सबसे मस्त फंक्शन है, क्यों? क्योंकि याद रखो e to the power x का डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है, यानी कुछ चेंज नहीं होता है, e का पावर x का e का पावर x ही रहता है। अगला देखना, d by dx of log x, log x याद रखना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, बहुत इंपॉर्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 by x, और log to the base e होता है, याद रखना है, यहां log to the base क्या होता है e, यानी तुम इसको ln x भी बोल सकते थे, यानी आप इसको ऐसा बोल सकते थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x जो होता है वो 1 by x होता है, यू कैन से लाइक दिस, याद है ना, log to the base e को ln बोलते हैं, हमने पढ़ाया है, आपने लॉगरिथम का क्लास किया है ना, अगर नहीं किया है तो बेसिक मैथ्स का आपको सेकंड और थर्ड लेक्चर देखना चाहिए, नहीं थर्ड और फोर्थ लेक्चर, राइट। चलिए तो ln x का 1 by x हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, d by dx of a to the power x, कोई बोलेगा सर इसमें इसमें क्या अंतर है, तो इसमें हमेशा e रहेगा, इसमें 5 6 7 a कोई नंबर है, तो आंसर आएगा ax log a, ax into log a, a का मतलब कोई नंबर, a का मतलब नंबर, 5 to the power x 6 to the power x, ठीक है ध्यान देना। अगला d by dx of sin x, d by dx of sin x बच्चों cos x होगा, और d by dx of cos x, d by dx of cos x minus sin x, d by dx of cos x minus sin x, माइनस लग जाता है। अगला d by dx of, पूरे बता दे रहे sin cos tan, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और d by dx of sec x, ये होता है बच्चों sec x into tan x, sec x into tan x, फिर d by dx of, कौन सा बच गया बताओ, cosec x बच गया, फिर cot x बच गया, d by dx of cot x होगा minus cosec square x, तुम सोच रहे होगा हार्ड है, देखो हम ट्रिक बता देंगे याद हो जाएगा। अगला d by dx of cosec x, ये हो जाएगा minus cosec x into cot x, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया कहानी का, तुम देखो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, चलो इसको याद रखने का ट्रिक बताते हैं। पहला ट्रिक साइन का, जिसके इसके सामने c है नाम में, जैसे cot cosec cos, उन सब का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, समझ गया, जिसके जिसके नाम में के आगे c है, अगर c वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आएगा, पहली बात। दूसरी, बहुत अच्छे, साइन का cos, cos का साइन, ये तो याद हो गया, tan का sec स्क्वायर क्यों हो रहा, तो आपको आइडेंटिटी हम दिखाते हैं, देखो 1 plus tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x, सुनना ध्यान से, और फिर 1 plus cot स्क्वायर x, हम उम्मीद करते हैं आपको ये आइडेंटिटी रटा होगा, इसी से हमने भी याद रखा, देखो तो जब आपसे कोई tan का पूछे तो sec स्क्वायर बोल दो, cot का पूछे तो cosec स्क्वायर बोल दो, वाह वाह वाह, और माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये c से है। अच्छा जब इसका पूछे, जब सामने वाला इसका पूछे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बोलना है, समझा नहीं समझा, हाँ बोलो, जब sec x का पूछे तो sec x into tan x, cosec x का पूछे तो cosec x into cot x, बोलो आ गया आ गया नहीं आ गया। मान लो आप ये भूल रहे हो तो इसका भी ट्रिक हम बताएंगे, देखो cot का स्पेलिंग छोटा है, cosec का बड़ा, मान लो ये कोई भूलता है तो ऐसे याद रखेगा, 1 plus cot, यानी छोटे स्पेलिंग वाले में 1 plus किए तो बड़ा स्पेलिंग वाला हो गया, बोलो समझा, और आप ये भूलते हो तो उसका भी हम ट्रिक बता दिए, ये भूलते हो तो हम बताएंगे ए बी सी डी के हिसाब से, पी क्यू आर एस टी, तो एस टी दिख रहा है, 1 plus t s हो जाएगा, ओके बहुत अच्छे, तो आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार ट्रिक समझ लीजिए, जिसके जिसके सामने c लगा है उसका आंसर माइनस में आता है डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा उसके बाद क्या याद रखना है आपको, ये तो साइन का cos, cos का साइन, ये याद हो गया होगा। इधर देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी, जो tan 1 plus tan स्क्वायर, तो tan का करोगे तो sec स्क्वायर, cot का करोगे तो cosec स्क्वायर, उधर वाले का स्क्वायर आता है, और जब इधर वाले का करने जाओगे तो दोनों आएगा, देखो sec x का sec x into tan x और cosec x का cosec x into cot x। चलिए तो आपको हमने पांच फंक्शन पढ़ाया था बच्चों, पांच फंक्शन आइलेट, तो पहला था अलजेब्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, देखो दो हो गया, तीसरा एक्सपोनेंशियल हो गया, ये एक्सपोनेंशियल है, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया, पांचवा पता है कौन सा बचा, इनवर्स, इनवर्स, तो थोड़ा ध्यान देंगे, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आएगा वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस तो माइनस लग जाएगा इसमें, बताया ना कॉस में माइनस होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ये कितना हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा। चलिए तो आप तीन ही याद करेंगे, इनवर्स में हम लोग तीन ही याद कर रहे हैं बच्चों, ठीक है नोट कर लीजिए फटाफट। तो प्रोडक्ट रूल सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, याद रखना डिफरेंशिएशन का नाम ही प्रोडक्ट है, ये तब लगेगा जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, यू इंटू बी, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, यू इंटू बी, जैसे ई एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा कुछ भी, ई एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू फाइव एक्स, कुछ भी दो गो, कोई भी दो गो आईलेट पढ़े हो ना उसमें से कोई भी दो गो मल्टीप्लाई में, तो ये रूल लगेगा। बहुत आसान है ये रूल, बहुत आसान, बारी बारी से करना है इसको, याद रखना है बारी बारी से, मतलब जैसे ऐसे यू को छोड़ दिए, यू को छोड़ दिए तो रुक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर अगली बार बी को छोड़ दिए और डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे, यू का। मान लो यहां पर तीन लोग आ गए, मान लो यहां पर तीन लोग आ गए यू वी एफ, तो तीन आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो गो को छोड़ दो, ए गो का डिफरेंशिएशन करो, बारी बारी समझता है क्या। अब इसका हो गया तो इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, तो डिफरेंशिएशन आप किसका करोगे, यू और एफ को छोड़ दिए तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, बी का। फिर बताओ फिर किसको छोड़ दे हम, बी एफ को छोड़ देते हैं, बी एफ को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, यू का होगा। वाह 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 वाह, जम गया जम गया जम गया, समझ में आ रहा है। चार लोग रहेंगे तो वैसे तीन को छोड़ो, ऐसे करो, समझ गया होगा आई थिंक, क्लियर है। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बहुत धमाकेदार एक आधा क्वेश्चन कर ही देते हैं मजाक मजाक में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक्स लॉग एक्स ऐसे लिखा रहता है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन, हमने आपको एक नाम ये लिख के दिया था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, ये तीनों का मतलब डिफरेंशिएशन। ओ तो देखना इधर, तो क्या करोगे आप अपने मन से इसमें d by dx लगा लो, जैसे प्लस करने के लिए प्लस का साइन लगाते हो, माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाते हो, तो डिफरेंशिएशन के लिए d by dx, x क्यों, क्योंकि यहां x वेरिएबल है, अगर यहां पे t रहता तो d by dt लगाते हैं, समझ रहा है ना रे। हाँ अब दो को फंक्शन है, एक x है एक log x है, तो क्या करेंगे, x को पहले होल्ड करो रुक भाई, और d by dx ऑफ करेंगे log x का, d by dx of log x यानी differentiation of log x, ये तो फॉर्मूला है और कुछ है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, log x को होल्ड करेंगे रुक भाई, और d by dx of करेंगे x का, d by dx of करेंगे x का, काम खत्म, अब फॉर्मूला है, x को कुछ करना ही नहीं है तो वैसे ही लिखो, तो जो बाहर है उसको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन वन रख दिया, बाप रे बाप, ऐसी गलती मत करना यार। d by dx of log x, log x का डिफरेंशिएशन बताइए आपने पढ़ा है ना अभी फॉर्मूले में, 1 by x, बस फॉर्मूला याद है पूरा मजा आ जाएगा, 1 by x, 1 by x, log x को कुछ नहीं करना है तो छोड़ दिया हमने, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 1, x से x कट गया, अबे बच्चा बोल रहा log x आंसर है, ये 1 कहां गया भाई, 1 ये 1 रहेगा ना, ये उड़ थोड़ी गया, 1 plus log x आंसर कितना आ गया, 1 plus log x इज योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमको लगता है आपको फिर आ जाएगा, कुछ भारी नहीं है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू ई एक्स, तीन फंक्शन है इसमें, दिख रहा है इसमें तीन फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने में डी बाई डी एक्स लगा लो डिफरेंशिएशन के लिए, क्या करना है आपको हम सिखाए हैं, दो गो को छोड़ो एक गो को करो बारी बारी से, तो सबसे पहले इन दोनों को छोड़ देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को छोड़ दिया हमने और d by dx कर लिए ex का, बहुत अच्छा, प्लस अब जिसका हो गया उसको छोड़ना है, ex और x square को छोड़ देते हैं, x square into ex, बस कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं करना, किसी को भी आगे पीछे करो, बिकॉज ये प्लस का साइन है, कोई भी पहले बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हो गया, इसका हो गया, देखो टिक मार दो, इसका हो गया ठीक रहेगा इससे, अब इसका बारी है, तो इन दोनों को छोड़ेंगे, ex into sin x को छोड़ दिए
और डी बाई डी एक्स लगा दिए किसमें, एक्स स्क्वायर। जिसके भी सामने डी बाई डी एक्स लग गया उसका फॉर्मूला डालना है और कुछ करना नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन हम बताए थे, ई एक्स सबसे मस्त ई एक्स होता है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फॉर्मूला है बच्चों याद हो रहा है, बार बार बनाओ याद हो जाएगा। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का तो आपको याद होगा कल चार बार मिला था। एक्स स्क्वायर का कैसे होता है, पावर सामने आता है पावर में से कम हो जाता है, पावर सामने आता है पावर में से कम हो जाता है तो 2x। इसको अरेंज अरेंज कर लो, ई एक्स कॉमन ले लो, देखो अच्छा रहता है थोड़ा, ई एक्स कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, देखो सब में एक्स है तो एक्स ई एक्स कॉमन। कोई बोले इतना में आंसर नहीं आ गया, आ गया तो मैथ्स पढ़े हो ना यार, तो थोड़ा यूज भी कर लो ना। एक्स ई एक्स कॉमन होगा तो यहां से एक्स गया तो एक्स साइन एक्स बचा, प्लस यहां से भी एक्स गया तो एक्स बचा एक कॉस एक्स, प्लस यहां से एक्स गया साइन एक्स गया तो टू, सॉरी एक्स गया और ई एक्स गया तो टू साइन एक्स आंसर। चलिए ये आपका आंसर हो गया, कोई बड़ी बात कहे नहीं। एक और देख लेते हम लोग, एक और क्वेश्चन करेंगे बस, प्रोडक्ट रूल फिनिश। ठीक है, एट एट ई टू द पावर एक्स और उसके बाद एक्स क्यूब अपॉन थ्री, तो इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है। क्यों, हमने क्या बोला, नंबर को बाहर छोड़ देते हैं, सिखाया ना, याद है तुमको हमने पढ़ाया था। देखो तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू यू, ऐसा याद रखो, कोई भी कॉन्स्टेंट के साथ कोई फंक्शन है कुछ भी है तो कॉन्स्टेंट को आपको बाहर निकाल देना है और बाकी अंदर यू का काम कर लेना है। यहाँ कॉन्स्टेंट कौन है, एट है थ्री है, एट अपॉन थ्री को कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। तो कॉन्स्टेंट एट अपॉन थ्री को बाहर निकालिए तो डी बाई डी एक्स हो गया ई एक्स इंटू एक्स क्यू। वाह, अब आप जब इसको करने जाओगे तो आपको दिख रहा है दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। एट बाई थ्री को छोड़ने के बाद डायरेक्ट मत कर देना इसको कि एक्स का कर दी एक्स, एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर, गलत हो जाएगा, बाप रे गलत हो जाएगा। तो एट अपॉन थ्री को बाहर छोड़ दिया, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाओ तो क्या करेंगे, ई एक्स को छोड़ दिए, डी बाई डी एक्स लगा दिया हमने एक्स क्यूब में, प्लस अभी पहले फॉर्मूला लिख लें, फिर एक्स क्यूब को छोड़ दिए, फिर डी बाई डी एक्स किस में लगा दिए, ई एक्स में। बहुत अच्छा, तो आ गया एट अपॉन थ्री ई एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स क्यूब को छोड़ दिया था हमने और ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है। अब कॉमन वॉमन लेना है तो ले लो यार, अच्छा रहता है थोड़ा। क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ दो गो एक्स यहाँ तीन गो, तो दो गो कॉमन हो सकता है, ज्यादा कम से कम कॉमन होता है दो तीन, तो दो आ जाएगा बाहर और ई एक्स भी आ जाएगा। यहाँ से ई एक्स गया और दो गया तो थ्री बचेगा बस, यहाँ से एक एक्स बचेगा, खत्म आंसर। चलिए आपको प्रोडक्ट रूल आई थिंक आ गया होगा बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डिवीजन रूल पे बच्चों। डिवीजन रूल जैसे प्रोडक्ट रूल है उसी तरह डिवीजन रूल भी है, ठीक है। तो डिवीजन रूल क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है u by v और डिवाइड में है, ठीक है, अभी इसके पहले मल्टीप्लाई वाला किए थे, अब डिवाइड वाला, दो फंक्शन है उसको डिवाइड में है, तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आसान ध्यान देंगे इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, कर दिए, क्यों तुमको हमें ट्रिक बताया, याद करो, नीचे का पावर वन रहे तो स्क्वायर होता था ना, याद आया ट्रिक, नहीं आया, अरे वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो नहीं बताया था इसका स्क्वायर होता है, इसके सामने माइनस लगता है, सेम टू सेम ट्रिक यहां भी चलेगा। तो भी का स्क्वायर हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का करेंगे, तो नीचे वाले को छोड़ दिए, देखना इसमें बदलना नहीं है, पहले नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का काम होगा क्योंकि वो ऊपर है, ऊपर वालों का वैल्यू ज्यादा होता है, तो d by dx of u ऐसे याद रहेगा आपको। देखो प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी कर दो चलता था, देखो इधर d by dx of u into v जब आपने किया तो हमने क्या बोला, u को छोड़ दो d by dx of v कर लो और v को छोड़ दो d by dx of u कर लो,
इसको पहले करो या इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ बीच में कौन सा साइन है, प्लस, लेकिन यहां पर माइनस है, खतरनाक, आप इसको पलट नहीं सकते। इसमें ध्यान रखना है सीक्वेंस, और याद कैसे रहेगा, विकास सर के वजह से मेरा टेक्निक ही जबरदस्त रहता है। क्या टेक्निक हम बता दिए हैं कि देखो नीचे वाले का स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन में 1/x का डिफरेंशिएशन, याद करो यार, क्या ट्रिक बताया रे मैंने को तेरे को, कि ये इसका पावर एक बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया, वाह वाह वाह, और ये ऊपर में माइनस लाएगा, यस सर, यानी जब भी की बारी आएगी तो माइनस आएगा, जब भी की बारी आएगी तो माइनस आएगा, सो रहा है। ध्यान देते जाना भाई, देखेंगे इधर, तो आपको क्या करना है कि हम फिर से एक बार ट्रिक रिपीट कर देते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ 1/x का हमने क्या बताया था, माइनस लगेगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा पावर, वही ट्रिक यहां लगाओ, v का स्क्वायर हो गया, और जब v के डिफरेंशिएशन हो गया नीचे वाले की, क्योंकि नीचे वाले के लिए ट्रिक है ना, ऊपर वाले के लिए ट्रिक है नहीं, तो नीचे वाले का जब डिफरेंशिएशन होगा, u को छोड़ दिए और dv बाय dx, तो नीचे वाले का डिफरेंस हो रहा है देखो भी का, तो माइनस लगा है, क्या आपको ये पसंद आया मेरा ट्रिक कि नहीं आया, हाँ बोलो, नीचे वाले का जब डिफरेंस हो रहा है तो माइनस लग रहा है, जब भी नीचे वाले का डिफरेंस है माइनस लग, अब तुम इसको सामने भी लिख दो तो गलत नहीं होगा, बट मत लिखना, बट ये कंफ्यूजन हो जाए, मान लो 2 साल बाद कि आपको किस में माइनस लगता था यार, पहले किसको करते थे, बच्चे कंफ्यूज कैसे होते, पहले इसको करेंगे कि पहले इसको, तो मेरा ट्रिक याद रखना कि हमको नहीं पता पहले किसको करेंगे, इसका करेंगे तो प्लस साइन के साथ करेंगे और इसका करेंगे तो माइनस साइन के साथ करेंगे, बिकॉज ये वाला ट्रिक तुमको बताया गया है। बोलो आ गया नहीं आ गया, अब इसका भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, इसका भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स और 1 + x² ऐसा है, देखो ऐसा है, अब इसमें दो फंक्शन है डिवाइड में, दो फंक्शन है डिवाइड में, देखो यार ध्यान से, तो क्या करना है आपको, पहले फार्मूला पर सेट करो, फार्मूला क्या बोलता है, 1 + x² का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ देना है एज इट इज, तो छोड़ दिए यार, कुछ मत करो, जब छोड़ने बोले तो कुछ मत करो, ऐसा छापो मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, बहुत अच्छे, फिर माइनस प्लस नहीं देखो, फिर ऊपर वाले को छोड़ दो, ई एक्स को छोड़ दिए और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x² बहुत अच्छे, बताइए ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, वेरी गुड, यहां पे ई एक्स को छोड़ दो, अब 1 + x² का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आपको सिखाया गया है, जब दो फंक्शन प्लस में हो, जब दो फंक्शन प्लस में हो तो क्या करना है, अंदर जाएगा और बारी बारी से करना है, बारी बारी मतलब दोनों का करना है, तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो, तुम बड़े हो रहे हो, दिमाग बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा डायरेक्ट, कुछ लोग ऐसा करेगा, इसको हम इधर रखते बता दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करेगा कि ये डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + d/dx(x²) ऐसा करेगा, 1 का 0 लिखेगा और x² का 2x लिखेगा, वाई नॉट यू आर गोइंग डायरेक्टली, क्यों आप डायरेक्टली नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट करो, डी बाई डी एक्स लगा है ना, तो किसका इंतजार है, ऐसे लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो 1 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 चलेगा क्या आपको, प्लस में है तो अलग अलग करना हमको पता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिख दिया डायरेक्ट, ये वाला स्टेप हम हटा दिए, क्या कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, बच्चों x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, अब ये ऐसा हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, ध्यान दे 1 + x² का होल स्क्वायर, अब बस इसको थोड़ा अरेंज कर लो और कुछ मत करो, ex इंटू 2x, 2x को सामने लिखना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, तो 2x इंटू ex, 0 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, ex कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, ex कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो अच्छा रहेगा, ex कॉमन ले लो, देखना थोड़ा बढ़िया फॉर्मूला बन रहा है, ex कॉमन ले लिए, तो मान लो कोई कॉमन ले लिया तो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचेगा, और क्या कोई बोलेगा आंसर सही नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर ऐसा कोई छोड़ नहीं सकता ना बुक वाले, आपको तो फाइनल पहुंचाना होगा, ex कॉमन, 2x कॉमन नहीं होगा, यहां है यहां है यहां नहीं है, यहां नहीं है, 1 है ना,
अब एक्स कॉमन लिए तो बचा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान देखना दिल से, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये आइडेंटिटी है ऊपर वाला? बिल्कुल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो भी मिले करते चलेंगे, तो यह हो जाएगा वन माइनस एक्स या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो ये आपका आंसर दिया रहता होगा। चलिए तो ये आपका डिवीजन रूल है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, उसके बाद नीचे वाले को छोड़ देना है, एक्स को छोड़ दिए, और डी बाई डी एक्स लगा देना है ऊपर वाले में, यानी साइन एक्स, डी बाई डी एक्स लगा देना है साइन एक्स में, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ देना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है, और डी बाई डी एक्स लगा देना है नीचे वाले में। देखेंगे इधर तो x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x माइनस sin x को छोड़ दिए और x का वन हो गया, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आपका आंसर यही आया था, वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर यही आया था तो सही है, ठीक है। ये जैसे आपसे हम पूछे ex का डिफरेंशिएशन बताओ तो तुम ex बता देते हो, इसमें एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन है ex, एक फंक्शन है, पांच फंक्शन होते सबको समझता है। अब इसको ना चेन रूल को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा होगा। जैसे अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो e एक अलग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक अलग है, अलजेब्रिक, ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे आपसे कोई पूछ दिया e इंटू टू एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, x नहीं e इंटू फाइव एक्स का बताओ, e into bx का बताओ, ऐसा कुछ भी, तो क्या करना है, तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हम वही पढ़ा रहे हैं, देखिए d by dx of e into ax का चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला है, आपका बच्चों फॉर्मूला है कि d by dx of अगर ex रहेगा तो हम ex ही लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसे लिख देंगे, जैसा है वही लिख देंगे, e into ax लिख दिए, मल्टीप्लाई में ये ax एक्स्ट्रा है, यहाँ तो ax नहीं था, तो मल्टीप्लाई में आपको ax का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए रफ में कर लेते हैं हम, d by dx of ax कितना आएगा बताओ, a को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो a आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा a into e का पावर ax। देखो हम इसको फार्मूला बता देंगे, आई हैव ट्रिक ऑलवेज, मेरे पास हमेशा ट्रिक होता है तुमको पता है, और ट्रिक बहुत ज्यादा कारगर होता है फॉर्मूला से, बिकॉज वो क्या होता है कि जल्दी से करा देगा सवाल को। अब देखो ट्रिक क्या है कि अगर आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है उसके अलावा उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो तो आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन के बाद। नहीं समझा सर, देखो एग्जांपल देते हैं जैसे एग्जांपल देखिए, आपसे कोई पूछ दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर 5x, तो बहुत आसान है, हम लोग बोलेंगे 5 into e का पावर 5x, मतलब जो डिफरेंशिएशन पढ़े वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो सामने लगा देंगे। बोलो आ गया सामने, तो पहला हो गया। दूसरा देखेंगे जैसे आपसे पूछा गया d by dx of sin x, तो तुम नाच नाच के बताओगे cos x, वेरी गुड। अगर हमने पूछ दिया sin ax तो तुमको cos ax बताना है, बट नो इफ नो बट ओनली जट, तो देखो a मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर हो रहा है ना, आंसर में a भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे d by dx of sin into 2x, तो बताओ क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर होगा cos 2x, sin x का cos 2x होता है, बराबर, sin x का डिफरेंशिएशन cos 2x और into 2। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछ दिया, ध्यान देंगे, अगर कोई आपसे पूछ दिया d by dx of cos ax, तो क्या आंसर आएगा बताओ, cos ax का माइनस sin ax होता है, जो डिफरेंशिएशन वो लिखो यार, और उसके बाद जो साथ में उसके सामने लगा देने का, काम खत्म, पैसा हजम। अगर मान लो ये ऐसे रहता x by a, तो भी वही करते 1 by a से मल्टीप्लाई। मान लो आपको इसमें ऐसा ही एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपसे हम पूछ लिए d by dx of cos x by 2, देखो यार हम तो को तो cos x by 2 पढ़ाएंगे तो माइनस sin x by 2 लिख देंगे फट से, लेकिन 1 by 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 मत कर देना रे बाप, गलत हो जाएगा, 1 by 2 x के साथ मल्टीप्लाई में 1 by 2 है, तो 1 by 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको, तो जो आप पढ़े हैं वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है।
चलिए तो और आप देख लेते हैं, हम लोग ध्यान देंगे। अगर आपसे कोई पूछ दिया, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ओ साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्चुअली हम तुमको बताए थे कि साइन स्क्वायर मतलब ऐसा होता है, देखो इसका मतलब ऐसा होता है साइन एक्स का पावर टू, होता है ना, साइन पे स्क्वायर लिखो या पूरे पे स्क्वायर लिखो, बात एक ही होता है। तो आप बताइए कैसे करेंगे। तो ये रूल आपने सीखा है, ये रूल क्या बोलता है, बारी बारी से सबको डिफरेंशिएशन करो। बारी बारी मतलब देखो, पहले हमने किसका किया, ई का किया, फिर ए एक्स का किए, फिर से पहले हमने ई का किया, फिर हम ए एक्स का किए, यहां पर भी पहले ई का किए तो ई वाला लिख दिए, 5x का किए तो 5 आ गया, यहां पर भी देखो पहले हम साइन का किए तो कॉस आ गया, फिर ए एक्स का किए तो ए आ गया, एक्स का 1 होता है, समझ में आ रहा है सबको ये। ओके तो आप बारी बारी से डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे देखना। पहले आप पावर का करो, किसी भी चीज का पावर 2 रहे तो मेरे को एक बात बताओ, एक्स का पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, बताओ एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है। तो आप बताओ साइन का पावर 2 है तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स आएगा ना, इसका भी तो पावर सामने आ जाएगा दादा, 2 और फिर साइन एक्स, इसका हो गया पावर का। अब किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, अंदर वाले का, यानी डी बाई डी एक्स किसका करना होगा बताओ, साइन एक्स का, किसका करना होगा साइन एक्स का। आपको समझ में आया, नहीं आया फिर से देखो, साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले स्क्वायर है कि पहले साइन है, तो कोई बोले पहले साइन है, नहीं, तुम ऐसा लिखे हो इसीलिए तुमको लग रहा, राइट लाइक दिस। अब बोलो पाउंड पहले आया, पावर की साइन, तो पहले पावर आया तो पावर का पहले डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाई, अगर उसके अंदर भी कोई है, उसके अंदर साइन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन, उसके अंदर भी कोई होता तो उसका भी करते मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ रहा 2 साइन एक्स इनटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। और देखो ये फॉर्मूला है, किसी को याद है फॉर्मूला, 2 साइन एक्स इनटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सभी लोगों को ऐसे फटाफट जवाब देना है तभी कुछ होगा भाई। अब हम आपसे और पूछना है, देखेंगे साइन 5x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन देखना ध्यान से। तो तुम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जानते हो, ध्यान दें बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रहेगा तो तुम क्या लिखते हो, कॉस एक्स लिखते हो क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस एक्स लिखते ना, मतलब यहां पर जो है वही हम लिख देते हैं, बहुत अच्छा। तो ये देखो ये साइन है, उसके साथ एक्स में कुछ भी है, बहुत अच्छा, उससे हमको क्या मतलब है। तो हम पहले क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, कॉस लिख देंगे और इसके साथ जो भी लगा है थीटा में उसको लगा देंगे, ये साइन का डिफरेंशिएशन हुआ। बट हमने क्या बोला, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर भी कोई है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई में, तो साइन का कर दिया हमने, फिर अब इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2 करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये इसके अंदर है इसीलिए मल्टीप्लाई में उसको हम कर रहे हैं, यहां रहा है cos 5x प्लस 2 प्लस 5x में 5 छोड़ देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, 5 को छोड़ दिया x 1 हो गया और 2 का हो गया 0, 0 जिसका हो जाए लिखो ही मत यार उसको, क्या मतलब है 0 वाले को लिख के, कोई मतलब नहीं है। तो 5 1 जा 5, सामने 5 लग जाएगा। तो देखो मेरा ट्रिक से भी देखो, हमने ट्रिक क्या बताया था कि आप साइन का कॉस कर दो, कर दिए, और मल्टीप्लाई में 5 है तो सामने लगा दो, बोलो ये बताया था ना ट्रिक हमने, नहीं बताए थे, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में सामने लगा दो, बोलो बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा है, सभी लोग बताएंगे आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आ रहा है। अब बताइए अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देंगे बच्चों, और आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ए एक्स, देखना थोड़ी देर में फील हो जाएगा तुम एकदम जल्दी से जल्दी जल्दी बोलने लग गए। टेन का डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या होता है, टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर और जो भी इसके साथ है वो छाप दो, ये मत देखना कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो भाई यहाँ एक्स रहता है तो यहाँ एक्स होता है, देखो यहां पर समझा रहे हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स यहाँ आ जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छा, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, तो यहाँ ए एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा ए एक्स, बट कुछ तो और चेंज होगा, यस ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो ए एक्स का होगा तो कितना आएगा ए आएगा, एक्स का 1 हो जाता है तो सामने क्या लगा देंगे ए, बोलो आ गया क्या, आ रहा है समझ में, जो भी फॉर्मूला आप पढ़े हो उसमें बस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसमें एक ही ट्रिक है कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई एक्स के कोएफिशिएंट से, बस बाकी से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस में रहे तो चलता है।
स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, एक सेकंड ब्रैकेट नहीं है, देखो अंतर हम बताते हैं। देखो यहां पर पावर जो 2 है वो पूरे कॉस पे है, हम एक्स पे नहीं लिखते, इसीलिए हम तुमको बताया था ना एक्स पे पावर नहीं लिखना, नहीं तो सिर्फ एक्स का माना जाएगा, मतलब ऐसा कुछ। अभी हमने कॉस 20 डिग्री का स्क्वायर या सॉरी 30 डिग्री का स्क्वायर किया, मतलब क्या करना है कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 और उसका स्क्वायर करो। ओ गेट इट। अच्छा अगर हम आपको ऐसे दे दिए कॉस, कॉस आपको हमने दे दिया 30 डिग्री और 30 पे स्क्वायर लगा दी, मतलब आपको 30 का स्क्वायर करना है, दैट इज कॉस 900 का वैल्यू बताना है। ओ ये अंतर है, देख लो दिस इज द डिफरेंस। आप यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू रख के स्क्वायर किया यानी पूरे पे था, यहाँ पर क्या था सिर्फ 30 पे स्क्वायर था, 30 का स्क्वायर किया कॉस वैसा का वैसा है। समझ में आया अंतर दोनों क्वेश्चन में? तो आप बताइए किसमें कौन पहले है, चेन रूल क्या बोलता है, बारी बारी से करेंगे, इसमें कौन पहले है, पावर पहले, ये बात समझ में आया ना, इसमें पावर पहले है। तो पावर का क्या रूल है, पावर का रूल है पावर सामने आ जाता है, आ गया 2, फिर जो अंदर है उसका पावर एक कम, तो कॉस का पावर 2 था अब पावर 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? मल्टीप्लाई, आपने अभी बस पावर का काम किया, अभी उसके अंदर वाले का तो बाकी है, अंदर वाले को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला कौन है बताओ, कॉस एक्स। समझ में आया? पहले हम पावर का काम किए फिर कॉस का कर रहे हैं, तो 2 कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप सामने माइनस ले लो, माइनस 2 साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, फिर से ये फॉर्मूला बन गया, चाहो तो कर लो लिख के, ये फिर से फॉर्मूला बन गया, किस चीज का फॉर्मूला है बताओ, साइन 2x है ना। पावर कैसे कम है इसमें? अरे x का पावर 2 का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, धन्य हो, पावर सामने आएगा 2 और x का पावर 1 नहीं हो जाता है, तो उसी तरह cos का पावर 2 है तो पावर सामने आया तो पावर 1 नहीं हो जाएगा। बोलो बच्चों नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करो यार, तुम लोग ना जान ले लोगे मेरा, cos क्यूब एक्स, अब बताओ अब तो कर लोगे, क्यूब है बताओ पहले क्या करेंगे, पहले पावर का करेंगे तो सामने आएगा, फिर गलत बोल दिया, फिर गलत बोल दिया, पावर एक कम करेंगे तो 3 में से एक कम गया तो 2 होगा ना, तो 2 cos x कैसे बोल रहे हो यार तुम, 3 cos स्क्वायर x होगा। अब पावर का हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी करना होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले पावर का होता है फिर उसके अंदर वाले का होता है, समझ में आया? थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस का माइनस साइन एक्स, इसको अरेंज अरेंज कर लेना। बोलो क्या आपको ये पावर वाला क्लियर हो गया, ये और बता दें। अब बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x रहा तो क्या करोगे, ओहो जान ले लोगे मेरा यार, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x रहा तो क्या करेंगे, झट से बताओ, 4 साइन एक्स, 4 साइन, अरे यार पहले ही cos x बोल दिया, 4 sin क्यूब एक्स और फिर sin का करेंगे cos x, हाँ into cos x, अब सही है, तो डायरेक्ट बोल दिया हमने, डायरेक्ट समझ में आया, डायरेक्ट आंसर चलेगा, समझ में आ रहा, डायरेक्ट आंसर। अभी क्या ऐसा करते रहेंगे बच्चे ऐसा, मेरे को समझ गया ना, पहले पावर का कर लेना है, कम कर देना है और फिर sin का cos कर देना है, ओके। अब आ जाओ इस पे, ये क्वेश्चन अलग है उससे, ये क्वेश्चन कैसे अलग है कि इसमें cos पहले है पावर बाद में, ओ तो पहले कॉस का करेंगे तो साइन लिखेंगे, अब साइन एक्स को लिख दिया तो गलत हो गया भाई, जब यहाँ कॉस एक्स रहे तब तो साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स तो है नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए तुमको, तो ये हो गया पहला, पहला हमने कॉस का किया इनटू, अब अंदर वाले का करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला कौन है साइन स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, समझ में आया ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, अच्छा कॉस एक्स में माइनस लगता है राइट, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, सामने लिख लो काम खत्म। नहीं समझ में आया तो आपको इसको एक और एग्जांपल देते हैं, आपको इसका हम एक और एग्जांपल देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्यूब, देखो अब तो देख लो यार टैन एक्स क्यूब, बोलो पहले कौन मिला तुमको, टैन मिला कि पहले पावर 3 मिला, पहले टैन मिला तो टैन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec, टैन का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर और जो यहां लिखा है वो छाप दो, जो यहां लिखा हो छाप दो थीटा की जगह पर एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे एक्स क्यूब का यानी 3x स्क्वायर, काम खत्म, 3x स्क्वायर सामने लिख लो। बोलो आपको आ गया चेन रूल कि नहीं आया बच्चों, आ गया क्या चेन रूल, हाँ ना बताएंगे, अब चलो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, देखना जैसे हमने एक बच्चे को दिया ऐसा साइन लॉग एक्स, फील करो
साइन एक्स पूरा नहीं है, साइन के अंदर लॉग एक्स है। ओ समझा नहीं, देखो अब दो चीज हम लिखते हैं, ध्यान देना, साइन एक्स लॉग एक्स, बताओ इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखो इसमें अंतर है कि साइन एक्स अलग है, लॉग एक्स अलग है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, इसमें नहीं लगेगा, बिकॉज साइन एक्स कंप्लीट नहीं है, साइन एक्स के जगह पर ही आ गया। समझ में आ रहा है, जैसे साइन थीटा लिखते हो ना भे, ओनली साइन का कोई मतलब है क्या, नहीं, साइन के साथ थीटा एंगल होना चाहिए, साइन के साथ थीटा होना चाहिए। तो अगर हम मान लो साइन थीटा अलग लिख दिए, कॉस थीटा अलग लिख दिए, दो अलग अलग हो गया ये। अच्छा अब हम क्या किया, थीटा के जगह ही कॉस थीटा घुसा दिए, तो ये दो है कि एक ही है, एक ही है ये, साइन ऑफ कॉस थीटा। आई बात समझ में, तो इसमें लगेगा चेन रूल और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये अंतर है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। तो इसको हम करके दिखा देते हैं, डी बाई डी एस लगा लो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। क्या है डी बाई डी एस, पहले साइन मिला तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, क्या लिखोगे, कॉस, कॉस एक्स मत लिख देना, देखो गलत हो गया, क्या लिखेंगे कॉस के साथ, साइन का कॉस, उसके बाद जो उसके साथ है वो छाप दो, कॉस लॉग एक्स, फिर मल्टीप्लाई में किसका डी बाई डी एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई में किसका डी बाई डी एक्स करेंगे, लॉग एक्स का, काम हो गया, काम हो गया। क्या आपको समझ में आ गया, तो लॉग ये छोड़ दिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो जो भी आया वो आंसर कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, वेरी गुड, नाउ इट्स ओके। तो हम उम्मीद करते हैं आपको चेन रूल आ गया है, राइट। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पता है ऐसे कॉन्सेप्ट की फिजिक्स में मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम यहां ध्यान दो, x equal to a t का पावर 4, y equal to b t cube, find dy by dx। तो dy by dx के लिए देखो, dy by dx के लिए रिश्ता y और x में होना चाहिए, लेकिन यहां रिश्ता x और t और y और t में दिया है। मतलब अब आपको क्या करना है समझना है, देखो यहां पर x और t है और यहां y और t है और हमको चाहिए dy by dx। तो आप थोड़ा समझो मेरी बात को, अगर फंक्शन y और x में होता है तो तुम y का डिफरेंशिएशन x के लिए करते हो तो dy by dx लिखते हो और फिर ये पावर सामने आता है 2x, राइट। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, y का डिफरेंशिएशन x के लिए करते हो तो ऐसा लिखते हो। अच्छा तो अगर यहां x है और यहां t है तो तुम अगर ऐसा लिखोगे तो गलत। कोई बच्चा याद कर गया कि अपॉन में x लिखना है तो गलत। भाई अपॉन में x तब लिखना है जब तुम x को कर रहे हो। हम आपको कल इतनी अच्छी कहानी सुनाए थे, जब पढ़ाते डिफरेंशिएशन, शादी किसकी है यार, x की, तो दूल्हा x बनेगा, ये ध्यान रखना है। यहां शादी x की है तो x के लिए डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां शादी x की कैसे होगी यार, t है इधर, तो ये होगा बच्चों इसका dx अपॉन dt, मतलब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम t, यानी t जो भी t जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब सवाल है t नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां t वेरिएबल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां dx by dt लिखेंगे तो बाकी करेंगे वैसा ही, a रहेगा, पावर 4 है, पावर सामने आता है और पावर में से कम हो जाता है, ये काम हो गया इतना। बोलो आपको आ रहा है समझ में, उसी तरह यहां भी देखो y equal to bt cube है। हाँ तो a को छोड़ दिए ना, कहा कुछ किया हमने, ओ तेरी तुमको समझा नहीं क्या, a को छोड़ दिए, d by dt of t का पावर 4 का किए, तो ये और t और ये t मैच कर रहा ना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो a को छोड़ दिए, a को छोड़ दिए, अभी देखो हमने ये स्टेप स्किप कर दिया था, हमको लगा आप लोग को आ रहा है इसलिए हम कर दिए थे, a को छोड़ दिया, t का पावर 4 तो पावर सामने आएगा तो 4 और t का पावर 3। बोलो समझ गया क्या, अब इसका करेंगे देखो, तो इसका भी y और t है तो क्या करोगे, dy by dt, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको अपॉन में t लगाएंगे। तो ये y का जब हम करेंगे तो t वेरिएबल है तो dy by dt लिखेंगे। अब देखो इधर भी लगाएंगे, ध्यान देना कोई कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, b कांस्टेंट है छोड़ दिए, कांस्टेंट को बाहर रखो उसको रखो ही मत, शादी t की है तो t को अंदर बारात दूल्हे में बैठाओ मंडप में, b को काय को ले जा रहा साथ में बाहर चल भाई, तो इसके साथ लगा दो d by dt, किसके साथ tq के साथ। अब तो तुमको पता है इसका क्या आंसर आएगा, b into t का पावर 3 है तो 3 सामने आएगा और t स्क्वायर जम गया। अब हम सोचेंगे हमको dy by dt आ गया, हमको dx by dt आ गया, बट हमको dy by dt dx मांगता है, ऊपर dy मांगता है नीचे dx, तो आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे dy by dx के लिए, बताओ dy by dt ऊपर रखोगे और dx by dt को कहां रख दोगे, नीचे, dt dt कट के आ रहा है कि नहीं dy by dx, हाँ बोलो समझा नहीं समझा। ये आ गया b into 3 into t square अपॉन में
अपान में कौन सा है, ये वाला a इंटू फोर टी क्यूब, तो ये कट गया टी, दो दो टी कट गया, तो थ्री बी टी स्क्वायर कट गया यहां से, थ्री बी अपॉन फोर ए और एक टी बचेगा, दिस इज बी आंसर सही था। दो सेम क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले dx अपॉन dt निकालेंगे, ध्यान दें dx अपॉन dt मतलब इस x को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझना, इसको कोई कोई ऐसे लिख के भी पढ़ाता है, देखो डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा लिखा भी हो सकता है, यानी x का डिफरेंशिएशन किसके लिए, टाइम के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में उससे डिवाइड मार देते हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन सब लोग जान गया है cos t होगा, डायरेक्ट चल गया ना, डायरेक्ट चमक गया कि डी बाई डी लगा के दिखाएं, बोलो डायरेक्ट चमका कि नहीं, डी बाई डी टी ऐसा लिखना पड़ेगा क्या मेरे को, लिख देते हैं डी बाई डी टी लगा दिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा दिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी आ गया, लो यहां से भी, यहां भी टी के रिस्पेक्ट में करना है तो दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा दो, दोनों तरफ बच्चों डी बाई डी टी लगा दो, तो d by dt लगा दो, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin 2t, तो लोग चेन रूल अगर भूलोगे तो एक भी सवाल नहीं बनेगा फिजिक्स का, हम तुमको बता दे रहे एक भी नहीं बनेगा, तो फिजिक्स में हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ रहता ही है, cos का माइनस sin 2t आएगा into, हमको लग रहा है बहुत सारे बच्चे यहाँ 2t के जगह यहाँ t छाप दिए होंगे, आदत से मजबूर है भाई, जब हम इतना पढ़ा दिए हैं कि जो यहाँ है वही छापना, और मल्टीप्लाई में d by dx ऑफ 2t भी होगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 2 नहीं लिख देंगे, होगा कि नहीं होगा, किसी का 2 नहीं दिख रहा था ऑप्शन में मेरे को, तो सही, तो इसी नाम बोले नहीं हो सकता, 2 sin 2t, 2 sin 2t आ गया। अब हम लोग कर देंगे dy by dx, dy by dx के लिए क्या करेंगे, dy by dt को ऊपर रखेंगे और dx by dt को नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे तो आ जाएगा minus 2 sin 2t अपॉन में cos 2t, सॉरी cos t है। अब देखो इसको इसको काटा जा सकता है, बस अर्थे तुमको फॉर्मूला याद होना, क्या तुमको याद है sin 2t का फॉर्मूला, बताओ sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, sin 2x का क्या फॉर्मूला है बताओ बच्चों, sin 2x का क्या फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगता है आप लोगों ने याद नहीं किया, देखो अभी से ये हालत चालू हो गई कैसे होगा, टीचर्स फ्रस्ट्रेट होने लगता है अगर आप लोग जगह नहीं पढ़ोगे तो, आगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, रोहित सिन्हा भी नहीं बोल रहा, उस दिन तो बहुत उछल रहा था, सब याद है मेरे को, अभी बोल नहीं रहा है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताओ अभी कल से लेके आज तक चार बार तो हमने यूज कर लिया, तो ये तो रट जाना चाहिए ऐसी, इसको तोड़ देंगे हम, इसको माइनस टू साइन टू टी का हो जाएगा टू साइन एक्स, और सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे टी लिखेंगे, टू साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन में कॉस टी, कॉस टी कॉस टी कट गया, टू टू जा फोर, साइन टी आंसर आना चाहिए, और ऑप्शन देगा भी तो कोई ऐसे ही देगा,